दिव्य शक्ति ने किया है रोशन, जगमगाया है सबका जीवन। जगमगाया है सबका जीवन, सबका जीवन। जगमगाया है सबका जीवन, सबका जीवन। दिव्य शक्ति ने किया है रोशन, जगमगाया है सबका जीवन। दिव्य शक्ति ने किया है रोशन। संत मत्ती के अनुसार आज का सुसमाचार, अध्याय 10, वाक्यांश 7-15 तक। राग चलते यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरक दूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। अपने फेंटे में सोना चांदी या पैसा नहीं रखो। रास्ते के लिए ना जोड़ी, ना दो कुर्ते, ना जूते, ना लाठी ले जाओ, क्योंकि मजदूर को भोजन का अधिकार है। किसी नगर या गांव में पहुंचने पर एक सम्मानित व्यक्ति का पता लगा लो और नगर से विदा होने तक उसी के यहाँ ठहरो। उस घर में प्रवेश करते समय उसे शांति की आशीष दो। यदि वह घर योग्य होगा तो तुम्हारी शांति उस पर उतरेगी। यदि वह घर योग्य नहीं होगा तो तुम्हारी शांति तुम्हारे पास लौट आएगी। यदि कोई तुम्हारा स्वागत ना करे और तुम्हारे बातें ना सुने तो उस घर या उस नगर से निकलने पर अपने पैरों की धूल झाड़ दो। मैं तुमसे यह कहता हूँ, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम और गुमोरा की दशा और अधिक सहनीय होगी। यह प्रभु का सुसमाचार है। प्रभु की जय। यीशु आज के सुसमाचार में अपने शिष्यों को उनके नाम से बोलने के लिए और उनकी शक्ति के द्वारा उनके कार्य करने के लिए स्पष्ट निर्देशों के साथ भेजते हैं। रोगियों को चंगा करना, मुर्दों को जिलाना, कोढ़ियों को शुद्ध करना। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि सुसमाचार हमें सक्रिय होकर महान सेवा कार्य करने योग्य बनाता है। इस सेवा कार्यों द्वारा हमारे बीच मसीह की उपस्थिति का अनुभव हम कर सकते हैं। बपतिस्मा द्वारा ईश्वर हमें इन महान सेवा कार्यों को निभाने की जिम्मेदारी हमें देते हैं। क्या हम मृतकों को जिला सकते हैं? हाँ, जो टूटे हुए रिश्तों के कारण अपने विश्वास में मर चुके हैं उन्हें आध्यात्मिक सहायता प्रदान कर उम्मीद देकर नया जीवन दे सकते हैं। हम कोड़ियों को चंगा कर सकते हैं। हमारे जीवन में कोड़ी कौन है? हमारे साथ काम करने वाले या हमारा दोस्त या पड़ोसी, जो अपने नकारात्मक आलोचनाओं द्वारा हमें परेशान करते हैं और सताते हैं, वे एक प्रकार की कोड़ी है। हम अपनी सहनशीलता से, मुस्कुराहट से, दयालुता से उन्हें चंगा कर सकते हैं। हम सबके अंदर एक नरक दूत रहती है जो हमें ईश्वरीय कार्य करने नहीं देती है। वो हमारी आंतरिक भावनाओं का रूप लेकर हमें जीवन का नकारात्मक पक्ष को ही दिखाती है। वो हमारे जीवन को निराशा और उदासी से भर देती है। प्रार्थना हमारे विश्वास को बढ़ाकर उस नरक दूत को निकालने में मदद करती है। प्रार्थना के माध्यम से हम अपने संरक्षक संत और धन्य माँ की सहारा ले सकते हैं और नकारात्मक भावनाओं और विचारों से छुटकारा पा सकते हैं।
प्रभु हमें अपना कार्य करने के लिए बुलाते हैं। हमें अलग अलग प्रतिभाओं और क्षमताओं से भरकर सक्षम बनाते हैं। आइए हम उनके कार्य करें और जीवन में आगे बढ़ें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।